हटा दो आप, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सी हियर व्हाट इज गिवन हियर, x is equal to given a beta t square plus 3t minus 8 and y equal to given a 2t square minus 2t minus 5, find the slope of tangent, आपको slope of tangent निकालना है, at the point 2 comma minus 1, बेटा at the point मतलब क्या होता है, tangent point होता है, tangent point मतलब जो भी कर्व दे रखा है ये वाला point है, ये point क्या होता है, x1 y1 होता है, ये point क्या होता है, x1 y1 That means ये जो गिवन है वो x और y का वैल्यू गिवन है बेटा, नॉट पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t। सो सबसे पहले आपको पैरामीटर निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ t में आएगा, t का वैल्यू पता हो तभी तो स्लोप आएगा आपके पास। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, सी x का वैल्यू आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2, अदरवाइज वी विल गेट t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0, मल्टीप्लीकेशन इज माइनस 10, एडिशन इज 3, सो आई कैन स्प्लिट टी प्लस 5 इन टू, आई कैन फैक्टराइज लाइक दिस, दिस इंप्लाइज आई एम गेटिंग द पैरामीटर हियर माइनस 5 कमा 2, ओके फाइन, नाउ दिस इज 1, ओके फाइन, नाउ सी आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y हियर, सो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1, देन आई एम गेटिंग 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करोगे तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0, इफ आई फैक्टराइज दिस t माइनस 2 इन टू t प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज आई एम गेटिंग द पैरामीटर इज 2 कमा माइनस 1, दिस इज सी नंबर 2। नाउ सी फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट इज कॉमन पैरामीटर 2, यहाँ माइनस 5 यहाँ माइनस 1, दैट इज बोथ आर नॉट कॉमन, व्हाट अबाउट द कॉमन, दैट इज अ पैरामीटर होगा। नाउ सो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 we are getting the parameter t equal to, how much we are getting, that is equal to 2. Anyhow, हमारे पास parameter आ गया, now you have to find the slope of tangent. So, slope of tangent निकालने के लिए, सबसे पहले dx by dt, that is equal to 2t plus 3, and then dy by dt, इसको differentiate करोगे, dy by dt equal to 4t minus 2, then we are finding better dy by dx, that is equal to 4t minus 2, the whole upon 2t plus 3, if I substitute instead of t is 2 here, so then dy by dx equal to, that is equal to 8 minus 2, the whole upon 4 plus 3, that is equal to 6 upon 7. Now they are asking slope of tangent or slope of normal. The slope of tangent puchha hai, ye raha. In case if they ask a slope of normal, then you will get it minus 7 by 6 aa jayega. Are you clear? Are you clear beta? Say yes no. Say yes no beta. If you are clear, then tell me yes. Yes ma'am. Yes. Now see question number 21, another most important question beta, this one also. क्वेश्चन का डायग्राम एक बार, ये रिवीजन ही चल रहा है आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक, कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा है बेटा आपके पास 4x, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखा है y इक्वल टू, सो दिस इज अ टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन हो जाएगा, दैट इज y इक्वल टू mx + c, y इक्वल टू mx + क्या दे रखा है बेटा 1। Now once again, the line y equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x. Find value of m. आपको क्या निकालना है m? सबसे पहले point तो पता होना चाहिए ना, x1 y1 तभी तो m निकालेंगे. Now listen बेटा कैसे करें? This is also one of the most important question बच्चे. Now given क्या है बेटा आपके पास? Given y square equal to क्या दे रखा है 4. Implies यहाँ से x का value निकाल रहे हैं, केवल 2 निकाल रहे हैं, that's Now, you know, slope to aapko pata hai, then slope of tangent kaise nikalna hai, you know about it, it's differentiate karenge. So, slope of tangent aapke according kya aayega beta, 2y into dy by dx equal to 4, so this implies dy by dx is equal to kya aayega beta, aapka 2 upon y. Now, slope aa jayega, therefore slope of tangent as per you, 2 upon kya aayega beta, y1. नाउ यहाँ से x1 इक्वल टू, क्योंकि ये जो गिवन कर्व है कहाँ से पास होता है, तो x1 y1 से रिप्लेस कर दो, सो x1 स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर बाई 4, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, सो नाउ सब्स्टिट्यूट 1 एंड 2, ये कहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, y इक्वल टू mx प्लस 1 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, नाउ y का वैल्यू y1 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 y1 से ये भी पास हो रहा है,
So y1 equal to m की जगह से 2 upon y1 into x की जगह से x1 plus क्या आ जाएगा 1. Instead of x1, I am keeping this value. So if I keep y1 equal to 2 upon y1 into instead of x1, y1 square upon 4 plus 1. Now ये हो जाएगा y1 equal to y1 upon 2 plus 1. This implies y1 by 2. इसको minus करो, this करो, y1 by 2 equal to 1. Implies y1 का value क्या आ रहा बेटा 2. So equation 1 में रखो, y1 का value 2 आ गया. Equation 2 में रखो, हमें तो slope निकालना है, point नहीं निकालना है. So m equal to 2 upon instead of y1 if I keep 2, that is equal to. So slope आ गया आपके पास 1. कुछ नहीं किया, given को reduce किया बेटा. वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो रिड्यूस किया, सब कुछ उठा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रखा, उसको सॉल्व किया, हमारे पास y1 वैल्यू आ गया, वहां से आपके पास स्लोप आ गया. आर यू क्लियर बेटा? से यस नो बच्चे. हेलो, से यस नो बेटा. यस मैम. यस, राइट डाउन फास्ट. बेटा राइट फास्ट, ओके, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आल्सो. सो टुडे आई विल वाइंड अप दिस टॉपिक, टुमारो आई विल स्टार्ट इंटीग्रेशन. राइट फास्ट बच्चे. Yes, better. रिटर्न बच्चे, चले रेस बेटर. Yes, ma'am. Yes. Now listen, Peter. Next question, what is difference between question number 22 and 23? सबसे पहले मे बी आपको टॉपिक आता होगा, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे देन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22-23, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट दे आर सेइंग बेटा, द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है. ये रहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल ये रहा अल्टी पॉइंट. अल्टी पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट होता है बेटा. अल्टी पॉइंट मतलब जो नॉर्मल लाइन कर्व को टच करेगा, दैट इज आपका क्या होगा, नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं. अल्टी पॉइंट का मतलब दिस पॉइंट, दैट इज एक्स वन वाई वन, दैट इज एक्स वन वाई वन. आपको प्रोसीजर पता है क्या करना है. एक्स वन वाई वन को गिवन है आपके पास,
नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा. मैम नॉर्मल का पॉइंट, हां बेटा 1.1 है ना नॉर्मल का पॉइंट बेटा, 1.1 सॉरी 1.1. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन m. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है y minus y1 equal to -1 अपॉन m क्या आएगा बेटा, x minus x1. ये फॉर्मूला सो x1 y1 गिवन है, बस स्लोप निकाल दे वो यहां पे रखो, सो यू विल गेट आंसर. ये है क्वेश्चन. लेकिन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वेश्चन. सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा. इसमें अंतिम पॉइंट दिया, अंतिम पॉइंट का मतलब मैंने बताया वो x1 y1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन. नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है आपने, कहां पे इसी कर्व का, दैट इज कर्व गिवन है x2 = 4y पासिंग थ्रू, मतलब वो जो नॉर्मल है ना वो पास कर रहा है बेटा, अल्टी पॉइंट नहीं गिवन है, नॉर्मल पास कर रहा है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये वाला जरूरी नहीं, मतलब यू कैन नॉट टेक अस x1 y1 दैट्स आई एम सेइंग. x1 y1 इज दैट इज डिफरेंट, दैट इज x1 y1 मेरा आपके पास, ठीक है. सो नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हिच इज अ पासिंग टू द कर्व, पासिंग थ्रू 1.2 मींस वो पॉइंट नॉर्मल लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है. अब देखो कैसे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे निकाल रही हूँ. नाउ सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है, दैट इज इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो 4 × dy/dx दैट इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, वी विल गेट dx/2, सो स्लोप आ जाएगा दैट इज dy/dx, एट कहाँ पे निकालते हैं x1 y1 पे, सो दैट इज इक्वल टू वी विल गेट dx/1/2. सो दैट फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू -2/x1. आप क्या करोगे, 2-point फॉर्म से स्लोप निकालना आता है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल 2-point फॉर्म से निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू y2 - y1 × x2 - x1, दैट इज 2 - y1 / 1 - x1. नाउ लिसन, यहाँ पे छोटा सा टर्निंग है. नाउ सिंस गिवन कर, यहाँ पे क्या कर रही हो, सिंस गिवन कर पासेस थ्रू, कर पासेस थ्रू कहाँ से पास कर रहा है, x1 y1 से passes through x1, y1, so definitely इसको satisfy करेंगे, therefore slope of normal आपके according क्या आ रहा है, slope of normal आ जाएगा बेटा that is equal to 2 - y1, so यहाँ पे रखोगे, so this implies क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे x1 square = x, पे यहाँ पे लिख देती हूँ, so pass कर रहा है, so the x1 square = you will get the 4 y1 implies y1 = x1 square upon 4, okay, so therefore slope of normal वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, that's equal to 2 - y1 = x1 square / 4 upon 1 - x1, और otherwise we are getting 8 - x1 square / 4 × 1 - x1. आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल एक ये रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज इक्वेशन 1 ले लो, दिस इज इक्वेशन 2 ले, सो फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल होगा, दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल है, फ्रॉम 1 and 2 1 = 2, सो -2 upon x1 = 8 - x1 square upon 4 × 1 - x1. नाउ टेक इट अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल गेट बिकॉज दिस इंप्लाइज -8 एंड देन +8x1 that is equal to, if I cross multiply this 8x1 and then -x1 2, 8x1 will be cancelled, so x1 = we are getting 2, x1 का value 2 आ गया, so y1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये रहा, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, therefore y1 = 4/4 that is equal to 1, so पॉइंट आ गया, that is आपका 2, 1, are you clear? So point आ गया, slope है आपके पास ऐसे x1 की जहाँ से यहाँ पे रखोगे slope of normal आ जाएगा, therefore equation of normal, I told you this is one of the most important question, so y minus y1 = -1/m × x - x1, y minus y1 we have 1, -1/m मतलब ये रहा -1/m, x1 की जगह से इफ यू कीप 2 -1 आ जाएगा, सो -1 × x - x1 = 2 हो जाएगा, सो y - 1 = -x + 2 और अदरवाइज x + y - 3, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, समझ आए,
Say yes, no. Say yes, no, beta. Whether you are clear? Yes, ma'am. Yes. Write down fast. Then last question. Then I will do it. One or two question extras. Beta, mute your voice. If necessary, you can ask question. Please, before that, mute your voice. Have you written, Beta? Yes. Have you done, bachi? No, ma'am. Yeah, do fast, hurry. Then we cannot do extra much. Better do fast. Then, ma'am. Yes. Now, with the next question, you read out first. That is also one of the most important repeated question. Now, first you read the question, what they are saying. Try to understand what is given. Now, find the point on the curve. Matlab given a point nikalna hai. Find the point on the curve. Maybe diagram ye bhi ho sakta hai, beta, ye bhi ho sakta hai. Isliye do bar draw karke dikhaye. Either side bhi hoga, either side bhi hoga. So, ये जो point है, that is x1, y1, ये हमें निकालना है. Now, see the point on the curve, 9y square plus x cube, where the normal, ये रहा बेटा normal line, where the normal to the curve makes equal intercepts. Equal intercepts का मतलब, ये 45 degree होगा, यही है ना. So, diagram आपका u भी तो हो सकता है, ये भी equal intercepts, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो equal intercepts, इसलिए मैंने ऐसा draw करके लिखा है. Now tell me, beta, आपसे एक question पूछ रही हूँ. In case line makes an angle, ये तो 45 degree आपको बता दिया, है ना? इसका मुझे slope निकालना है. So ये line, I told you, suppose यहाँ पे 45 degree, in case either side positive direction में, x axis में यहाँ ले लिया तो 45 degree. In case if I take possibilities है, और u भी लोगे तभी भी वही value आएगा, beta, u भी लोगे तभी वही वो rotation में आएगा, you know about it. So either otherwise ये 135 degree है ना. Either if you are taking then theta हो जाएगा 135 degree. If you are taking like this theta हो जाएगा 45 degree. Now tell me what is the slope of this normal. Beta slope of normal क्या आएगा as per given. What is slope of normal? So given क्या है slope of normal.
tell me, anybody can say slope of normal. मैंने आपके लिए एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री और क्या भी हो सकता है 135 डिग्री हो सकता है. आपने फॉर्मूला देखा होगा स्लोप है टैन थीटा. नाउ टेल मी, इतना हिंट मैंने दे दिया, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? एनीबडी कैन से यस नो? यस So if normal makes equal intercepts, then slope of normal kya aega, plus or minus 1. If you know this, then only you can carry the question, otherwise it is not possible. That's keep in your mind. Are you clear? Now see, so that's why I have given here hint also. Now you know how to find the slope of normal. Sabse pehle slope of tangent nikalti. Slope of tangent aa jayega beta, slope of tangent that is 18y into dy by dx, that is equal to 3x square. Then dy by dx is equal to, that is understood at x1 y1. So that is equal to x1 square upon kya aega 6y1. Therefore slope of normal aa jayega aapke paas, that is equal to minus 6y1 upon x1 square. Again given kar, y1 ke jahan se value replace karungi, since given kar passes through x1 y1, so therefore if I replace 9y1 square equal to x1 cube implies y1 square equal to, that is we are getting x1 cube upon kya 9, that's I will use it somewhere. Okay, now I can replace it here, so therefore slope of normal final quantitative. Slope of normal we are getting, that's equal to minus 6 into instead of y1 if I keep upon 9, the whole upon x1 square, so that's equal to, we are getting x1 square cancel. So minus 2 by 3 we are getting x1 slope of normal. Are you clear beta? So as per given, if I make it equate this both, therefore if I take first slope of normal here plus or minus 1, here slope of normal, so minus 2 by 3 x1, that is equal to, if I take subset and plus 1 rakun, so this implies x1 equal to, we are getting minus 3 by 2. So x1 ka value minus 3 by 3 if I keep here, then y1 square equal to, if I keep minus 3, that is minus 27, minus 27. So ye negative mein aare beta, ye wala part aapko aayega hi nahi, kyunki y ka value wahan pe positive aayega. Yahan y ka value x1 not equal to this value aa jayega. So this implies second part, if I take y, I am taking y1 value also negative hai, y1 tum yahan pe positive aayega beta, that's given on my. So if I keep negative 1, then I will get it minus 2 by 3 x1, that is equal to minus 1. This implies x1 equal to, we are getting 3 by 2. x1 ka value yahan pe rakho. So this implies y1 square equal to x1 cube, that is 3 by 2 ka whole cube, the whole upon 9. That is equal to, we will get 927. 3 by somewhere I am doing mistake, better let you check it. Otherwise we will do one thing later. Here we have substituted minus. Bolo, main yahan se change kar. Abhi y1 se pehle likhti hu. Okay, fine. Now let me complete this. So anyhow, so if I substitute this value here, therefore slope of normal, what we are getting, minus 6 instead of y1 x1 cube upon 9, the whole upon x1 square. So cancel ho ke kya hai, ye cancel ho gaya, so ye minus 2 by 3 x1, isn't it, ye correct hai? So ab that, no ma'am, abhi bhi aapne y1 square ki to value likhi hai. But ये तो y1 है ना, slope of normal में. Yes, exactly. This is y1 square, then we have to squaring on both sides. Yes, that mistake I'm doing here. If I do it here, so y1 equal to, so leave it up to this step.
As for this, now let me equate this both. So therefore, if I take, suppose if slope of normal plus 1, if I take 6y1 upon x1 square equal to plus 1, this implies that y1 square equal to, we are getting squaring on both sides, 36y1 square equal to x1 power 4. Now substitute here 36 instead of y1 x1 cube upon 9. Are you clear now? That is equal to x1 power 4, or otherwise we will get it, this is a 4 x1 power 4 minus x1 cube, that is a 4 x1 cube equal to 0. Now x1, if I take x1 minus 4 x1 cube, I am taking common, that is, this implies x1 to not equal to 0 implies x1 equal to kya jayega 4. X1 ka value uta ke yaha pe substitute karoge, therefore y1 equal to y1 square equal to, that is 64 upon kya jayega 9. This implies y1 equal to plus or minus 8 upon 3. Therefore point on the curve kya jayega beta, 4 comma plus or minus 8 by 3. Are you clear beta? Are you clear? Say yes no. Yes, bachche? Yes, ma'am. Yes, write down, write down. Similarly, you can give it minus 1 also. Then you will get it same value. Clear? We have done all questions from NCERT. Now, let me do questions extras. Bitte, thoda fast karu, bachche. रनिंग थोड़ा फास्ट लिखने बेटा, एक और क्वेश्चन करना है हमें. राइट फास्ट एवरीबॉडी. हमें रिटर्न बेटा. हाँ बेटा, हैव यू रिटन? यस मैम. यस. नाउ लिसन बेटा, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कांस्टेंट, मतलब ये एक साइड मैंने एक्स ले लिया और हाइपोटेन्यूज ले लिया वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन है, कॉन्स्टेंट गिवन है. सो ये एक्स हो ये वाई हो, ऑफकोर्स हाइट क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना, अंडर रूट जरूर आएगा. ओके फाइन. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर बेटा, हियर इज ऑल्सो अंडर रूट. ठीक है ना. ओके नाउ इधर अब नेक्स्ट व्हाट वी आर सेइंग इज अ कॉन्स्टेंट, दैट इज वंस अगेन द सम ऑफ साइड एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ कॉन्स्टेंट, दैट्स आई हैव टेकन. Show that area of this triangle is maximum. आपने area maximum show करना है.
जब एरिया मैक्सिमम आएगा एंगल बिटवीन दिस साइड एंड हाइपोटेन्यूज क्या आना चाहिए, पाई बाई थ्री आना चाहिए। क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा, गिवन मैंने लिया बेटा, इसको रिड्यूस कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया एक्स, हाइट हो गया अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड किया, सो ए स्क्वायर इक्वल टू जेड ले लिया 1/4 एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, वाई की जहाँ से ये वैल्यू उठा के रखा है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन किया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये आ रहा है। अब मैं डेरिवेटिव टेस्ट में जाऊँगी, समझ आए बेटा क्या बोल रही हूँ, से यस नो। सो यू स्टार्ट डू इट, अब डेरिवेटिव टेस्ट सभी को पता है, डोंट वेट फॉर मी, यू स्टार्ट डू नाउ, दैट इज इज इक्वल टू फाइनली वी आर गेटिंग 1/4 इंटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 2k एक्स क्यूब, बेटर राइट, स्टार्ट राइट, नाउ इज अ डैश इक्वल टू, आई एम गोइंग फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, 2xk square minus 6kx square. Now let z dash equal to 0. If anything is a common, so this implies 2xk we can take out into. So here we will get minus 3x, that is equal to 0. Implies we are getting k equal to 3x, implies x is equal to k upon 3. Okay, fine. Now z2 dash 1/4 into, if I differentiate this, that is 2k square minus 12kx, anyhow which is less than 0, but directly we are getting which is less than 0 when x is equal to k by 3. So therefore we have shown here area is maximum. जो भी आंसर आए, whatever you are getting answer, उठा के गिवन में रखोगे, y का वैल्यू निकालना है, बेशक निकालो। So therefore y equal to equation 1 implies, इसका जरूरत ही नहीं है बेटा, फिर भी y equal to k minus, k का वैल्यू पता है आपके पास, that is 3x minus x, that is equal to we are getting 2x, okay? Now area maximum proof कर लिया और y और x का वैल्यू निकाल दिया, now angle between these two, cos theta निकाल दो, क्योंकि cos theta आ जाएगा base upon hypotenuse, x का वैल्यू you have, y का वैल्यू you have 2x, so x upon 2x, so that is equal to 1/2, if cos theta equal to 1/2, I can write this becomes cos pi by 3, so this implies theta equal to क्या जाएगा, pi by 3, बच्चे are you clear? समझ आया बेटा, से यस नो, यस मैम, बेटा फास्ट राइट डाउन, वन मोर क्वेश्चन वी हैव, राइट डाउन फास्ट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन टुडे, आई एम फिनिशिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैट्स आई नीड क्वेश्चन आल्सो, दैट्स आई विल सी टू इट बेटा, डोंट बदर, फर्स्ट यू प्रिपेयर एमसीईआरटी थरोली, सो टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट इंटीग्रेशन, आर यू क्लियर? When school reopen, we will do thorough revision. मैं question erase कर दूँ बेटा? Last question. We have 2-3 questions extras बेटा, example questions we have to do. That is, we will see later on. These are all repeated frequent questions. That's why I am giving. Next question, start right if you have finished, time is running. Now see with another most important question. बच्चे इसी क्वेश्चन का मैं चुका दिए, उसका रिवर्स आपको होमवर्क में करना है. Let me explain first. Now here, listen. An open box with a square base. जो रूम में आप बैठे हुए उसी को इमेजिन करो, ये एक ओपन बॉक्स है लाइक दिस, उसका बेस जो है वो स्क्वायर दे रखा है, बेस जो है वो स्क्वायर दे रखा है बच्चे, ये ओपन बॉक्स है लाइक दिस, ठीक है?
ये ओपन बॉक्स है, सो इसका डायमेंशन पहले ले लेते हैं। डायमेंशन ऑफ दी बॉक्स है, डायमें ओपन बॉक्स मतलब इमेजिन करो एक बॉक्स है, उसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, हाइट कुछ भी हो सकता है। वो जो बॉक्स हमने जो बनाया उसका टोटल एरिया दे रखा सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, उसी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम शो करोगे, उसका जो वॉल्यूम है ये आना चाहिए रिजल्ट। नाउ सी डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर, मैं ले रही हूँ डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर, लेंथ ले रही थी बेटा एक्स मीटर एंड ब्रेथ ले रही थी, ब्रेथ भी एक्स मीटर ही होगा क्योंकि स्क्वायर बेस है, और हाइट ले लेती हूँ वाई मीटर ले लेती हूँ। नाउ गिवन क्या है बेटा, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस गिवन है आपके पास दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ आप जो बैठे हुए उसी रूम का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा बेटा, सी स्क्वायर इक्वल टू नीचे जो बेस है वो क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर। नाउ फोर वॉल्स है, एरिया वन वॉल कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया x और हाइट हो गया y, सो एक्स वाई एक वॉल का एरिया एक्स वाई, सो वी हैव फोर वॉल्स, सो प्लस फोर क्या आएगा एक्स वाई, दिस इंप्लाइज रिड्यूस करूँ y इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन फोर एक्स। ओके नाउ वी हैव टू शो द वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ था x, ब्रेथ था x अगेन क्योंकि स्क्वायर बेस है, सो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, नाउ दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन टू वाई, वाई की जगह से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल अपॉन फोर एक्स, नाउ एक्स एक्स कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू वी विल गेट इट हियर बेटा वन अपॉन फोर इन टू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। नाउ गो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, नाउ एवरीबडी स्टार्ट राइट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जा रही, वन अपॉन फोर सी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एनी हाउ लेट बी डैश इक्वल टू जीरो, so this implies c square equal to 3x square implies x is equal to, we are getting beta c by root 3, x is equal to c by root 3, now v2 dash that is equal to, isko dobara differentiate karenge 1 upon 4 0 minus 6x in half direct half here less than 0 when x is equal to c by root 3, therefore we have shown volume is maximum, volume is मैक्सिमम, ठीक है ना, जो भी आंसर आए उठा के गिवन में रखोगे, देयरफॉर y इक्वल टू इंस्टेड ऑफ x, इफ यू डोंट माइंड यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस इज c स्क्वायर, सो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर द होल अपॉन 4x, दैट्स इक्वल टू वी विल गेट इट 2x स्क्वायर बाय a, दैट इज क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर बाय, सो दैट इज x अपॉन 2 आ जाएगा, x अपॉन 2 आएगा बेटा, इजंट इट करेक्ट, आप चेक कर लेना। नाउ x का वैल्यू था आपके पास c by 2 root 3, सो x आ गया y आ गया, देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम था x square by, सो x square की जगह से वैल्यू रखोगे आप c square by 3 into y की जगह से c upon 2 root 3, सो देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम वी आर गेटिंग c cube upon 6 root 3, वही प्रूफ करने के लिए बोला है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, आर यू क्लियर बेटा, से यस नो बच्चे, यस ओके थैंक यू।